हमें से बहुत सारे लोग ये तो देखा ही है बहुत सारे सिनेमा में या टीवी सीरियल्स में कि एक ऑपेरा सॉन्ग चल रहा है जो एक्चुअली फॉरेन में होता है, इंडिया में उतना ज्यादा होता नहीं है, उससे जो साउंड क्रिएट होता है उससे जो वाइन ग्लासेस होता है वो ब्रेक हो जा रहा है, वो टूट जा रहा है। ये कैसे होता है? ये एक्चुअली साइंटिफिकली होता है, ये होता है रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से। अनुनाद में क्या होता है, जो हमारे मुख से निकलता है एक फ्रीक्वेंसी तो है, साउंड निकल रहा है मतलब एक फ्रीक्वेंसी है। तो वाइन का जो ग्लास है उसका भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर जो गा रहा है उसका जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है और जो वाइन का ग्लास है उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दो मैच कर जाता है तो वो गाने की फ्रीक्वेंसी से वाइन ग्लास वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा। और जितना हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, गाने का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे मतलब जोर से गाएंगे तो उसमें उतना ज्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए जितना कि वाइन ग्लास का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और ऑपेरा सॉन्ग्स में ये होता है क्योंकि वो गाने का स्टाइल ही ऐसा है कि उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है।